हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री हाउस पर। तो आज हम पढ़ेंगे मैंगो की कल्टीवेशन। तो फिर शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आम का वानस्पतिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। कुल होता है जो कि इनाकार्डियेसी होता है। आम को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि बाथरूम फल, भारत का राष्ट्रीय फल, फलों का राजा। आम का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो भारत का बर्मा क्षेत्र होता है, ठीक है। और विश्व में आम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। लगभग भारत विश्व का लगभग 54% केवल उत्पादन करता है अकेले ही। कितना? 54% लगभग अकेले ही उत्पादन करता है भारत। भारत में सर्वाधिक आम है जो उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, और राजस्थान में जैसे कि बांसवाड़ा, डोंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों में सर्वाधिक आम की खेती की जाती है राजस्थान में। आम में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 4800 आयु इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम में, ठीक है। आम पर परागित पौधा है। इसमें परागण घरेलू मक्खी द्वारा, हाउस फ्लाई द्वारा होता है। आम में खाने वाला भाग है जो मीजोकार्प या मध्य फलवृत्त होता है, ठीक है। आम क्लाइमेटिक फल है, ठीक है, जो तोड़ने के बाद भी पक जाते हैं उसे क्लाइमेटिक फल कहते हैं, और जो तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं उन्हें नॉन क्लाइमेटिक फल कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आम में एकांतरण फलन अल्टरनेट वेयरिंग की प्रमुख समस्या है, जो कि लंगड़ा एवं दशहरी में सर्वाधिक होती है। एकांतर फलन जो होता है कि जैसे कि एक बार फसल आए और अगली साल फसल ना आए, ठीक है। जैसे कि एक बार आता है मैंगो, फ्रूटिंग होती है एक बार, और अगली साल फ्रूटिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता, ठीक है, फल नहीं आते हैं। तो ये लंगड़ा और दशहरी में सबसे ज़्यादा होती है। और फिर उसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, आम में एकांतरण फल के कल्टार कैसे नियंत्रित करते हैं? कल्टार एंड पेक्लोबिप्ट्राजाओ, ठीक है, ₹5 से 10 ग्राम पर प्लांट हार्मोन से नियंत्रण करते हैं, ठीक है। आगे आम के नियंत्रण फल रेगुलर बेयरिंग देने वाली किस्में जो लगातार फल देती हैं, जो तो दक्षिण भारत में है, जो कि मुख्य हैं जैसे कि आम्रपाली हो गई, मल्लिका, सिंधु, नीलम, तोता, परी, ठीक है, ये किस्में हैं। आम की अल्फांसो जो किस्म है वो निर्यात के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अल्फांसो जो किस्म है निर्यात के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और इसमें एक ये लगता है स्पंजी ऊतक, ठीक है, ये लगता है रोग इसमें, जिससे क्या होता है फल बाहर से तो अच्छा दिखाई देता है पर अंदर ऊतक सड़ने लगते हैं, यह समस्या पाई जाती है इसमें। आम की सबसे मीठी किस्म है जो चौंसा है, ठीक है, चौंसा। और आम की बीज रहित किस्म जो है वो सिंधु होती है, ठीक, सिंधु होती है। आम की अल्फांसो किस्म मुख्यतः महाराष्ट्र में उगाई जाती है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।